हाँ बेटा देखिए, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा डिग्री। ना बेटा, डिग्री में हमने आपको बताया कि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य होगा कंपरेटिव में जाएगा या सुपरलेटिव में जाएगा, वाक्य उल्टा उठेगा। ठीक है, कंपरेटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव कंपरेटिव में जाओगे वाक्य सीधा उठेगा। वाक्य अफर्मेटिव होगा नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि यह एक पॉइंट है बेटा, यह दूसरा पॉइंट है और यह तीसरा पॉइंट। वाक्य अफर्मेटिव होगा तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव होगा तो अफर्मेटिव। एज के बीच में पी, पी माने पॉजिटिवली, सो एज के बीच में पी, पी माने पॉजिटिवली, सी माने कंपेटिव अपने आगे धन रखती है, यस माने सुपरलेटिव अपने पहले धन रखती है। अब आप अभ्यास करने जा रहे हैं। हमने आपको सॉरी एज एज और सो एज वाला पॉइंट पढ़ा दिया। अब आगे देखिए, सिखा बेटा द गंगा इज होलियर देन द यमुना, यह वाक्य बेटा द गंगा इज होलियर देन द यमुना। हमने आपको बताया सबसे पहले आप यह देखा करो कि यह कौन सी डिग्री का वाक्य है। ये देखो बेटा, अंडरलाइन कर दिया, कौन सी डिग्री है? कंपरेटिव। अब इसको हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं? पॉजिटिव डिग्री। आइए कंपरेटिव देखो, इधर कंपरेटिव डिग्री का वाक्य है पॉजिटिव में जाएगा, वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा उठेगा, यानी कि दयमुना यहां आ जाएगी। एक काम हो गया, चार काम करना बेटा। नंबर दो पर टेंस देखो, अफर्मेटिव है ना, अफर्मेटिव है निगेटिव हो जाएगा, कोई भी वाक्य बोलेंगे उसे निगेटिव बना लोगे ना। देखो बेटा निगेटिव बना दिया, दो काम हो गया। अब नंबर तीन पर डिग्री किसमें? पॉजिटिव में, सुपरलेटिव हो जाएगी नहीं, पॉजिटिव में बनाना। तो पॉजिटिव डिग्री दो ढंग से लिखी जाएगी बेटा, एज एज और सो एज के बीच में। सावधानी, अगर वाक्य निगेटिव बन रहा है तो फार्मूला सो एज का लगाना बेटा। बताइए यहां पर क्या लगाए फिर? सो होली नम आगे एस, सो एस के बीच लगा दिया, आगे का भाग पीछे द गंगा, बड़ा बन गया। द यमुना इज नॉट सो होली एज द गंगा। कोई कठिन है क्या? बना लोगे ना? गुड। अगला पॉइंट देखो बेटा, जैसे लिखा बेटा जया वॉक्स फास्टर देन प्रिया, ये वाक्य बेटा जया वॉक्स फास्टर देन प्रिया। बताइए पहले यह कौन सी डिग्री का वाक्य है बेटा? यह डिग्री कंपरेटिव है। अब इसको कहां ले जा रहे हो? पॉजिटिव में। कंपरेटिव डिग्री का वाक्य है पॉजिटिव में जाएगा, वाक्य उल्टा उठेगा, यानी कि प्रिया महोदया यहां आ जाएंगी। एक काम हो गया, नंबर दो पर टेंस अफर्मेटिव है, क्या हो जाएगा? निगेटिव। निगेटिव बना दो बेटा, क्या बनेगा? प्रिया डज नॉट वॉक, ना बेटा। दो काम हो गया, नंबर तीन पर वाक्य निगेटिव पर आधार है, नंबर तीन पर पॉजिटिव एज एज और सो एज के बीच में। वाक्य जब सकारात्मक बन रहा हो तो लगाना एज एज, चूंकि वाक्य नकारात्मक बन रहा है इसलिए सो एज लगेगा, सो फास्ट एज आगे के भाग पीछे जया, बड़ा बेटा बन गया। देखो अर्थ वही रह गया, जया वॉक्स फास्टर देन प्रिया, जया प्रिया की अपेक्षा ज्यादा तेज चलती है, तो प्रिया डज नॉट वॉक सो फास्ट एज जया, प्रिया उतनी तेज नहीं चलती जितनी तेज की जया। वाक बन गया, बात समझ। इसी प्रकार से आप कोई भी वाक क्या है आराम से बना सकते हो। अब आगे चल रहे, देखिए सेंटेंस से क्या है,
द लोटस इज नॉट लवलियर देन रोज. यह लिखा है द लोटस इज नॉट लवलियर देन द रोज होगा ना, देन द रोज होगा. यह वाक्य द लोटस इज नॉट लवलियर देन द रोज. सबसे पहली बात यह देखो कि यह कौन सी डिग्री का वाक्य होगा, कंपरेटिव डिग्री. कहां ले जा रहे हो, पास्ट में. कंपरेटिव डिग्री का वाक्य है, पास्ट में जा रहा है वाक्य, कैसा उठेगा, उल्टा. यानी कि द रोज यहां पे आ जाएगा. एक काम हो गया. नंबर दो पर टेंस निगेटिव, देखो नंबर दो पर टेंस निगेटिव है तो अफर्मेटिव. नंबर अफर्मेटिव कर लोगे ना, कोई वाक्य बोलेंगे, भर गया. नंबर तीन पर पॉजिटिव डिग्री, चूंकि वाक्य अफर्मेटिव बन रहा है इसलिए एज एज का अफर्मेटिव, एज लवली एज. नंबर चार आगे भाग पीछे द लोटस बन गया. द रोज इज एज लवली एज द लोटस. ठीक है, बना लोगे ना पक्का. तो इस प्रकार से देखो वाक्य उल्टा उठा, टेंस निगेटिव है तो अफर्मेटिव हो गया, डिग्री पॉजिटिव एज एज के बीच में, आगे एक भाग क्या लगा दिया, पीछे लगा दिया वाक्य. तो इसी प्रकार से भरभरा ने बेटा बहुत आसानी से वाक्य आपको बनाने बेटा. जैसे कहा बेटा पूजा डिड नॉट कुक द फूड, पूजा डिड नॉट कुक द फूड मोर क्विकली देन रेखा. यह वाक्य क्या लिखा, पूजा डिड नॉट कुक द फूड मोर क्विकली देन रेखा. सबसे पहले आप ये देखो कौन सी डिग्री, कंपरेटिव. कहां ले जा रहे हो, पास्ट में. तो कंपरेटिव पास्ट में जाएगी तो वाक्य उल्टा उठेगा, यानी कि रेखा महोदया यहां जाएंगी. एक काम हो गया. नंबर दो पर टेंस निगेटिव है क्या हो जाएगा, देखो अफर्मेटिव. तो रेखा कुकड द फूड ना. अब नंबर तीन पर पॉजिटिव किसके किसके बीच में, एज एज के बीच, एज क्विकली एज. नंबर चार आगे भाग पीछे बड़ा बन गया, रेखा कुकड द फूड एज क्विकली एज पूजा. कोई कठिन है क्या. इस प्रकार से हम आपको यह सिखा रहे हैं बेटा कि डिग्री चेंज कैसे होगा. कभी कभी स्पेशल पॉइंट आते हैं, वह स्पेशल पॉइंट अभी हम आपको बताने जा रहे हैं. अभी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन अभी पॉजिटिव से कंपेटिव जा रही है, कंपेटिव से पॉजिटिव जा रही है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. जैसे कहा बेटा वाक क्या सकता है, एज सून एज सी ओपेंड द डोर. ठीक है, कामा सी सा ए स्नैक, उसने एक सांप देखा. पहले भड़बड़ाओ नहीं बेटा, बिल्कुल आराम से टेंशन रहित होकर के वाक बनाना बेटा. देखिए इधर, एज सून एज सी ओपन द डोर सी सा स्नैक. यहां पर दो वाक्यों में तुलना है बेटा. ठीक है, दो वाक्यों में तुलना है. तो डिग्री है देखो कौन सी डिग्री है, पास्ट डिग्री. अब इसको आप कैसे बनाओगे, देखो इधर, एज सून एज की जगह लगा देना नो सूनर, लगा दिया एज सून एज की जगह क्या लगा दिया, नो सूनर.
आगे का वाक ये जो बचे इसको आप इन्वर्जन स्टाइल में बना। इन्वर्जन स्टाइल बनती है इंट्रागेटिव की तरह, इस वाक को इंट्रागेटिव बना लो बना बेटा। बोलो क्या बनेगा? नो सूनर डिड सी ओपन द डोर। अरे यार एज सून, इसमें तीन ही काम करने हैं। एज सून एज की जगह नो सूनर लगा देना, आगे का वाक के इंट्रागेटिव स्टाइल लिख दे रहा, कामा की जगह देन लगा देना, देन सी सा स्नैक, सी सा ए स्नैक। पढ़ो बेटा बन गया। नो सूनर डिड सी ओपन द डोर देन सी सा ए स्नैक। जैसे कहा बेटा, यानी कि इस प्रकार के वाक स्पेशल आपके इम्तिहान में आ सकते हैं, इसको भी बनाना सीखो। एक वाक क्या लेते बेटा, जैसे कहा बेटा एज सून एज आई रीच्ड द मार्केट कमा द रेन स्टार्टेड, ऐसे लिख क्या बेटा। अब आपको बता, इसमें केवल तीन ही काम करना है, कैसे करोगे? एज सून एज की जगह क्या लगा दोगे बताओ? नो सूनर लगाओगे। क्या लगाओगे? नो सूनर। आगे का वाक किस स्टाइल, एज सून एज की जगह क्या लगा दिया? नो सूनर। आगे का वाक इंट्रागेटिव, कोई भी वाक कहेगा उसे इंट्रागेटिव बना लोगे ना, बना लो बेटा। नो सूनर डिड आई रीच द मार्केट कामा की जगह देन लगाना बेटा, देन द रेन स्टार्टेड। पढ़ो बेटा बन गया। नो सूनर डिड आई रीच द मार्केट देन द रेन स्टार्टेड। एज सून एज की जगह नो सूनर, आगे का वाक इन्वर्जन स्टाइल, कामा की जगह देन लगा देना, वाक आपका बन जाए बेटा। इसी ढंग से कभी कभी ऐसा भी वाक कहता है बेटा, देखिए जैसे लिखा है बेटा एज लॉन्ग एज द चाइल्ड रिमेंड इन द रूम, इन द रूम कमा इट केप्ट ऑन वीपिंग। यह वाक्य लिख क्या बेटा? एज लॉन्ग एज द चाइल्ड रिमेंड इन द रूम इट केप्ट ऑन वीपिंग। अब इसका क्या बना बेटा? एज लॉन्ग एज स्टाइल भाई है, लगा देना नो लॉन्गर, लगा दिया। अब आगे का वाक किस स्टाइल में? इन्वर्जन स्टाइल में। बोलो क्या बना बेटा? डिड द चाइल्ड रिमेन इन द रूम कामा की जगह क्या लगा बेटा? देन इट केप्ट ऑन वीपिंग। कोई कठिन होता है? तीन काम क्या? एज लॉन्ग एज की जगह नो लॉन्ग लगा दिया, आगे का वाक इन्वर्जन स्टाइल में, कामा की जगह क्या लगा दिया? देन। पूरा वाक बन गया नो लॉन्गर डिड द चाइल्ड रिमेन इन द रूम देन इट केप्ट ऑन वीपिंग। ठीक है, इसी प्रकार से घबराना नहीं बेटा, हर वाक को समझो और आराम से बना दो। एक वाक क्यों लेते बेटा, जैसे कहा बेटा एज लॉन्ग एज दे गैदर्ड
अंडर द ट्री कामा दे डिस्कस्ड करप्शन, उन्होंने भ्रष्टाचार पर बात की। यह कर एज लॉन्ग एज दे गैदर्ड अंडर द ट्री दे डिस्कस करप्शन, तो एज लॉन्ग एज की जगह क्या लगा दे उठे बोलो, नो लॉन्गर। आगे का वाक्य इन्वर्जन स्टाइल बोलो, डिड दे गैदर अंडर द ट्री ना बेटा, डिड दे गैदर अंडर द ट्री, ये कामा की जगह क्या लगा देना, देन आगे का वाक्य उतार दो, दे डिस्कस्ड करप्शन, पड़ोटा बन गया। नो लॉन्गर डिड दे गैदर अंडर द ट्री देन दे डिस्कस्ड करप्शन। ये हमने आपको ये बताया कि जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस प्रकार के वाक्य किस समय बता रहे हैं बेटा। अब देखिए बेटा, एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अब आगे चल रहे हैं जिसमें तीनों डिग्रियां एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफार्म हो जाएंगे ना बेटा। अभी तक चल रहे थे कंपरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से कंपरेटिव, अब ऐसा वाक्य पढ़ेंगे जहां पर पॉजिटिव से कंपरेटिव बनेगा, कंपरेटिव से पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनेगा, कंपरेटिव से सुपरलेटिव बनेगा। इसके लिए ये देखो बेटा, ये पॉइंट आप भूल जाओ, अफर्मेटिव नेगेटिव वाला पॉइंट भूल जाओ, इसकी जगह अब एक चार्ट बनाएंगे, वह चार्ट आपका काम करेगा। पॉजिटिव कंपरेटिव सुपरलेटिव, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में नो अदर आवे, क्या है नो अदर, तो कंपरेटिव डिग्री में एनी अदर, सुपरलेटिव डिग्री में द, पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू आवे या सम आवे, तो कंपरेटिव डिग्री में मोस्ट अदर और सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द। यह अब नंबर टू पॉइंट जगह अब यह चार्ट काम करेगा, ठीक है बात सुनो। अब हम ऐसा वाक्य बनाएंगे जो तीनों डिग्रियों में, यानी कि पॉजिटिव कंपरेटिव सुपरलेटिव, तीनों डिग्रियों में चक्कर घिन्नी जैसा घूम जाएगा, अर्थ वही रह जाएगा। जैसे कहा बेटा इधर देखे, जैसे लिखा बेटा सेंटेंस लिखने जा रहे बेटा, हेमा सॉरी लिख क्या बेटा, नो अदर गर्ल ऑफ द क्लास इज एज टॉल एज हेमा, यह वाक्य लिख क्या बेटा, नो अदर गर्ल ऑफ द क्लास इज एज टॉल एज हेमा। सबसे पहली बात आप यह देखा करें कि यह कौन सी डिग्री का वाक्य, पॉजिटिव डिग्री। अब बताइए आप इसको कहां ले जा रहे हो, कंपरेटिव में पहले चलते हैं, कहां ले चलते हैं कंपरेटिव में, तो देखिए इधर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है कंपरेटिव में जा रहा, सब लिखा है यहां पे, बस यही देखना सीख जाओ बस, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है कंपरेटिव में जा रहा है, वाक्य कैसा उठेगा उल्टा, तो डिग्री यही है तो उल्टा यही हुआ, यानी कि हेमा महोदया यहां पे आ जाएंगे। सबसे पहले क्या लगा दिया, हेमा। नंबर दो पर क्या लगाओगे, टेंस। इस वाक्य में टेंस नाम की चीज क्या है, इज, दो काम हो गया। नंबर तीन पर आंख झप्प बंद करना, कंपरेटिव डिग्री लगा देना,
काल की कंपेरेटिव बोलो, कालर होती है अपने आगे, देखो कंपेरेटिव अपने आगे क्या रखती है, धन, धन लगा दिया, तीन काम हो गया। नंबर चार पर चार्ट, चार्ट में देखो क्या मिला, नो अदर, नो अदर गया भैरव घाट, कट गया, मिलेगा क्या, एनी अदर, एनी अदर। अब जो बचा भाग लिख दो, एनी अदर गर्ल ऑफ द क्लास, पढ़ा बेटा बन गया, हेमा इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल ऑफ द क्लास, ऊपर था नो अदर गर्ल ऑफ द क्लास इज एज टॉल एज हेमा, इसका कंपेरेटिव बना क्या बन गया बेटा, हेमा इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल ऑफ द क्लास, ठीक है। जैसे कहा बेटा, एक वाक्य और समझाते हैं, बहुत सरल सा समझो बेटा, जैसे कहा बेटा नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज रिच एज मुंबई, एज मुंबई, ये लिखा बेटा, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज रिच एज मुंबई, यह है। इस वाक को हम लोगों को कहां ले जाना है, कंपेरेटिव में। तो सबसे पहले यह देखो कौन सी डिग्री का वाक्य है, पॉजिटिव, कहां ले जा रहे हो, कंपेरेटिव, आइए पॉजिटिव डिग्री जा रही है, कंपेरेटिव में वाक कैसा उठेगा, उल्टा, यानी मुंबई यहां जाएगा। एक काम हो गया, नंबर दो पर क्या लगाओगे, टेंस, इस वाक्य में टेंस क्या होता है, इज, दो काम हो गया। नंबर ये तो मालूम है ना, नंबर तीन पर रिच की कंपेरेटिव बोलो, नंबर तीन पर रिच की कंपेरेटिव बोलो, रिचर, अपने आगे क्या रखते बेटा, देन। नंबर चार पर यह चार्ट, नो अदर कट, मिलेगा क्या, एनी अदर, एनी अदर सिटी इन इंडिया, बड़ा बड़ा बन गया, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज रिच एज मुंबई, मुंबई इज रिचर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, इतना कर लो बेटा पक्का। तो ये इसी प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा करके आपको सारी चीजें समझाएंगे, लेकिन मेन फैक्टर आपका यही है, इस समय डिग्री पूरी कबड्डी होगी,